तो सबसे पहले आपको एनवायरमेंटल, ए भैया तुम लोग नहीं सुधरोगे, म्यूट क्यों नहीं करके रखते हो, म्यूट कर लो, जब बोलना है तभी खोलो माइक। एनवायरमेंट जो है इसको हम लोग, एनवायरमेंट से क्या मतलब है आपका, क्या समझते हो? इंट्रोडक्शन में है ना, एनवायरमेंट मीनिंग एंड द कंपोनेंट्स, बहुत बार सुने हो, बोल आम बोलचाल की भाषा में भी बोलते हो, ए एनवायरमेंट ठीक नहीं, एनवायरमेंट खराब हो गया है, यहाँ का एनवायरमेंट अच्छा है, वहां का ये है। ओके, तो ये सब एनवायरमेंट आप यूज करते हो, कॉमन वर्ड है, ठीक है, हिंदी में इसका मतलब पर्यावरण है। इससे आप क्या समझते हैं? एनीबॉडी? सिर्फ पर्यावरण मतलब एक संतुलन के लिए एक बहुत बड़ा विषय है सर, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए, मतलब विश्व में दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण वरण का एक महत्वपूर्ण मतलब पर्यावरण, भाग है। जी पर्यावरण क्या चंद्रमा पर नहीं है पर्यावरण? सर, वहाँ भी है सर। मंगल पर पर्यावरण नहीं है क्या? है ना, सबका अपना अपना पर्यावरण है, ये धरती का पर्यावरण है जिसमें हम लोग, और हम लोग इस पर्यावरण के लिए बने हुए हैं। अगर हम चले जाए चंद्रमा के पर्यावरण में बिना किसी आजो सामान के, तो क्या होगा, उस पर्यावरण में रह सकता है क्या जीवित? नहीं रह सकता। ओके, या बेसिकली आप समझिए, म्यूट कर लीजिए, मैं कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। पहले तो ये दिख रहा है आपको व्हाइट बोर्ड मेरा? यस सर, या नोट दिख रहा है? यस सर, मुझे यहां से पता नहीं लग रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? चलो, यस सर, ब्लैंक है क्या? हाँ देखो, अभी हम लिख रहे हैं, दिख रहा है? यस सर, यस सर, ठीक। एक होता है नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, हो गया? म्यूट करो भैया, जब बोलना हो तभी, नहीं तो रिकॉर्डिंग सारा खराब हो जाएगा। एक होता है नेचर, नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति से क्या समझते हो? अच्छा चलो मैं ही बताता हूं, साइंस के हिसाब से चले, ठीक है, विज्ञान क्या कहता है। हालांकि विज्ञान के अलावा भी बहुत कुछ, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, धार्मिक और पौराणिक वैचारिक, सबका अपना अपना पंथ संप्रदाय है, सब तो वो सब मान्यताओं को एक साथ रख दें, साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के हिसाब से चलेंगे। नेचर क्या है? नेचर में दो कंपोनेंट हैं, प्रकृति, प्रकृति मतलब एनवायरमेंट प्लस, यानी पर्यावरण जो है वह प्रकृति का हिस्सा है। हम छोटा लिख रहे हैं, समझ लेना कि, अच्छा पूरा लिख देते हैं क्योंकि तो टाइम लगता है इसको लिखने में। यहाँ एनवायरमेंट, ये माउस से नहीं बन पाता है लिखने में, एनवायरमेंट, और दूसरा कंपोनेंट है ऑर्गेनिज्म। अब यहीं से आपको एनवायरमेंट समझ में आएगा कि पर्यावरण है क्या, ऑर्गेनिज्म। अब आप लोग अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग इंडिविजुअल हैं, ओके, एक इंडिविजुअल जो है, एक आदमी, हर आदमी का पर्यावरण देखने का नजरिया है अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि वह व्यक्ति जो है, अगर राम जो है, अगर पर्यावरण को देख रहा है, और मान लो श्याम अगर पर्यावरण को देख रहा है, दोनों कंडीशन पर गौर कीजिए, म्यूट कर लो।
तो राम कैसे देखेगा पर्यावरण को? राम अपने को छोड़ करके बाकी जितने भी लोग हैं दुनिया में, अरे भैया समझ रहे हमने, विवाह भारती नाम मैं अब लूंगा, तुम लोग आदत से लाचार हो गया, दो तीन बार कहूंगा अगर नहीं म्यूट करोगे मैं बाहर कर दूंगा, म्यूट कर लो। राम जो है पर्यावरण को देखेगा अपने को छोड़ करके, ठीक है। तो इस समय अगर राम और श्याम दोस्त हैं तो इस पर्यावरण में श्याम इंक्लूडेड है। अब पहले एनवायरनमेंट का लिटरल मीनिंग क्या होता है, ये एनवायरनमेंट जो है ये आया है एक फ्रेंच लेटर वर्ड जिस जो है इनविरोन, इन ई एन वी आई आर ओ एन, ठीक है। इनविरोन, इनविरोन का मतलब है, मीनिंग है सराउंडिंग, सराउंडिंग का हिंदी में मतलब क्या हुआ, परिवेश, किस परिवेश में सराउंडिंग, ठीक। तो अब राम का जो सराउंडिंग है उसमें श्याम इंक्लूडेड है, प्लस राम के अलावा इसके अगल बगल कितनी वस्तुएं हैं या क्या क्या चीज है, वो सब एनवायरमेंट हो गया। तो अब सम्पोज करो राम एक जगह खड़ा है, अगर इसके बगल में एक, सपोज करो एक कुत्ता है, एक गाय है, एक बिल्डिंग है, एक तालाब है, सपोज बगल में रोड है, रोड पर गाड़ी है, ओके, सपोज बगल में राम का घर है। तो राम के लिए ये सारी चीजें जो हैं ये इसका एनवायरमेंट हो गया, बगल वाली जो कि राम के एकदम करीब है, एकदम नजदीक में है। इस गाड़ी का इसको जरूरत है, घर में ही रहता है, तालाब में नहाता है, ठीक है, बिल्डिंग में भी जाता है पेपर पहुंचाने, तो ये बगल में है इसका, गाय बंधा हुआ है इसमें दूध करता है, बगल में खेत है मान लो उसकी खेती करता है, तो ये उसके अगल बगल की जो वस्तुएं हैं सजीव या निर्जीव, वो सारी वस्तुएं जिस पर ये राम जो है यूज करता है, अपने काम में लाता है उसके उस परिवेश में, ओके, वो सब हो गया उसका एनवायरमेंट, हो गया एनवायरमेंट। और यही एनवायरमेंट श्याम के लिए क्या हो गया, अब इसमें से राम को निकाल दो, श्याम घुसा दो, ओके, नहीं ये राम का है, राम का ये एनवायरमेंट हो गया, देखो राम के एनवायरमेंट में राम इंक्लूडेड नहीं है ना, राम के अलावा ये राम है, इसको लाल रंग से कर दो, ये राम का बॉडी है, इसके बॉडी के बाहर जो जो चीज है जिसका ये उपभोग कर रहा है अपने वस्तुओं को साम लाने में, वो सब इसका एनवायरमेंट हो गया, ये इसका सराउंडिंग हो गया। अब क्या क्या चीज का उपभोग कर रहा है, हवा भी ले रहा है, ठीक, एयर ले रहा है सांस लेने के लिए, तो इस एनवायरमेंट में क्या है, एटमोस्फेयर है, आगे हम बताएंगे एनवायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट हैं। एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर मतलब वायुमंडल, और राम कहाँ खड़ा है, जमीन पर खड़ा है, जमीन क्या है, जमीन का लेयर जो होता है पृथ्वी की जो सतह होती है सबसे ऊपरी सतह को हम क्रस्ट कहते हैं, ऊपरी सतह के बाद एक नीचे सतह होता है वो मोल्ट, उसको बोलते हैं मेंटल, MANTLE, ठीक है। तो जैसे जैसे जमीन के अंदर जाते जाएगा पर 100 मीटर, नॉट पर 100 मीटर, आई एम फॉरगेटिंग दैट, ये समझ लो कि टेम्परेचर जो है बढ़ते चला जाता है। तो लिथोस्फेयर है जिस पर राम खड़ा है, उस जमीन का
पथरीला भाग वो जिस पर राम खड़ा, लिथोस्फेयर मतलब क्रस्ट प्लस मेंटल, पृथ्वी का ऊपर का लेयर क्रस्ट जिसमें मिट्टी है, और मेंटल जिसमें पत्थर है। मेंटल के अंदर फिर मोल्टेन लावा हो जाता है, ज्वालामुखी जिससे फूटती है तो लावा निकलता है। ओके, तो ये मेंटल और क्रस्ट के बीच का लेयर ये लिथोस्फेयर कहलाता है पृथ्वी का। तो राम कहाँ खड़ा है? लिथोस्फेयर पर। तो लिथोस्फेयर इतना दूर का लिथोस्फेयर भी उसका हो गया क्या? एनवायरमेंट का पार्ट। ओके, राम जहां पर है उसके सराउंडिंग में एक तालाब भी है, ठीक है, तो हाइड्रोस्फेयर भी है इस एनवायरमेंट में। हाइड्रोस्फेयर मतलब जितनी भी नदियां हैं, तालाब हैं, समुद्र है, जहां भी पानी इकट्ठा है जमा, बाल्टी में पानी रखा है वो नहीं, इतना छोटा नहीं, ठीक है, जहां पर नेचुरली अकरिंग वाटर है बहुत ज्यादा मात्रा में, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। इवन बादल भी, बारिश हो रही है इसका मतलब आपके ऊपर, माथा के ऊपर हाइड्रोस्फेयर है, वहां से रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट का मतलब आप क्या समझे आप? किसी एक व्यक्ति के लिए उसका एनवायरनमेंट हुआ है जो उसके अलावा है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर ये राम जो है सिर्फ कंसीडर किया, ये हमारे घर के अगल बगल और पड़ोसी का एरिया सिर्फ इतना ही हम कंसीडर करें, तो दिस विल बी कॉल्ड एज माइक्रो एनवायरनमेंट। सर तो इसको डिफिनेशन कैसे करेंगे? सब हम आपको नोट दे देंगे, पहले समझ तो लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो पहले ये बताओ। हाँ ये तो समझ अभी अभी हम समझा रहे रहे हैं, समझ लो। अभी देखो, अभी पीछे आपको जो कोर्स सिलेबस दिखा रहे थे वहां पर टाइप करके हम पॉइंट वाइज लिखे हुए भी हैं नोट्स। ओके, तो वहां से आपको देख लोगे, और वहां हम फिर इसके बाद वहां पर जंप करेंगे, वहां फिर से नोट एक्सप्लेन कर देंगे। पहले अभी आप कंसेप्ट को समझ लो, क्योंकि तो आप लोग डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, कुछ आर्ट से हैं, कुछ लैंग्वेज से हैं। ओके, हमारे साइंस वाले तो कैच कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आई डोंट नो आपका बैकग्राउंड, तो हो सकता है डिफिकल्टी हो। तो क्या मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन करने की आपको, ठीक है, कैच कर रहे हैं आप लोग? जी सर। ठीक है, अब देखिए क्या बता रहे थे। अब ये राम जो है, अगर कंसीडर किया गया है कि ये इसके जरूरत की चीजें और अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी छोटा एरिया है, बाउंड्री है, तो देन दिस विल बी कंसीडर्ड एज माइक्रो एनवायरनमेंट। अगर अब ये राम कंसीडर कर ले कि नहीं भैया, हम इसको एनवायरनमेंट अपना नहीं कहेंगे, ये अपना माइंड को थोड़ा ब्रॉड कर लिया, हम पूरा मुंगेर जिला में जो एरिया है वो मेरा एनवायरनमेंट है, ठीक है, मुंगेर जिला में बहने वाली नदियां, पहाड़, ठीक है, रोड, कॉलेज, स्कूल, सब मिला के मेरा एनवायरनमेंट है, तो क्या हो जाएगा वो एनवायरनमेंट? ये माइक्रो एनवायरनमेंट जो पहले वाला था, ये क्यों बंद हो गया भाई? क्या कुछ दिख रहा है क्या अभी आपको? जी सर, अच्छा, हाँ आ गया आ गया, ठीक। जो समझा रहे थे वही। हाँ, नहीं मेरा स्क्रीन गायब हो गया था इसलिए, ठीक है। हाँ नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब ब्रॉड माइंड हो गया, अब सोचा कि नहीं हम पूरा मुंगेर जिला में को ही अपना हम एरिया मानेंगे, तो ये क्या हो गया एनवायरनमेंट? माइक्रो से थोड़ा बड़ा हो गया। ओके, तो यू कैन कॉल इट एज माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो वो एनवायरनमेंट है जो इमीडिएट विसिनिटी में है, जो एकदम आपके अगल बगल में है, दैट एनवायरनमेंट इज माइक्रो एनवायरनमेंट। और माइक्रो एनवायरनमेंट से ज्यादा बड़ा, यानी अब पड़ोसी को और 10 पड़ोसी, 50 पड़ोसी, 100 पड़ोसी मिला लिया, उसका रेडियस को बड़ा कर लिया, पूरा एरिया, सपोज मुंगेर पूरा शहर को कंसिडर कर रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज माइक्रो एनवायरनमेंट। वो उस व्यक्ति के संदर्भ में, ये राम जो व्यक्ति है इसके संदर्भ में। अब आप राम की जगह अपने आप को प्लेस कर लीजिए, अब आप देखिए, आपके लिए एनवायरनमेंट अलग है, कोई दूसरा लड़का देख रहा है उसके लिए एनवायरनमेंट, बाकी सब चीज सेम है, सिर्फ वो व्यक्ति जो है रिप्लेस हो जा रहा है, उसके लिए एनवायरनमेंट वो है, लेकिन उस श्याम के एनवायरनमेंट में राम इंक्लूड है, राम के एनवायरनमेंट में श्याम इंक्लूड है, क्योंकि राम के लिए वो सारे, इस एरिया में रहने वाले सारे व्यक्ति
जित कुत्ता बिलाय गाय घोड़ा भैंस सब इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी सब पेड़ पौधे जीव जंतु पक्षी सब इस एरिया में रहने वाले जितने भी सजीव हैं जितने भी निर्जीव हैं बिल्डिंग पेड़ और पानी ये सब सजीव निर्जीव टोटल को जितने भी चीज हैं वो सब मिल करके एनवायरनमेंट बन रहा है। ओके तो माइक्रो एनवायरनमेंट और मान लो कि और बड़ा वो अब सोच ले नहीं पूरा देश ही मेरा एनवायरनमेंट है कंट्री वो भी माइक्रो एनवायरनमेंट होगा। ओके और मान लिया कंसिडर नहीं पूरा अर्थ ही मेरा एनवायरनमेंट है तो दैट विल बी अगेन ए माइक्रो एनवायरनमेंट लेकिन माइक्रो एनवायरनमेंट उसके जस्ट बगल वाला हो तो माइक्रो एनवायरनमेंट छोटा बड़ा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। इतना समझ में आया आपको? यस सर। ओके अब यस सर यहां पर हम बताए आपको एनवायरनमेंट आपको हम बताए अब एनवायरनमेंट का रिलेशन ऑर्गेनिज्म के साथ क्या है क्योंकि प्रकृति जो है नेचर जो है इज ऑर्गेनाइज्ड प्रकृति जो है ऑर्गेनाइज्ड है कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज है प्रकृति आप बहुत ज्यादा इसको डिस्टर्ब कर रहे हो प्रकृति को तो भी ये बर्दाश्त कर रहा है सोचिए कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज है एक ही बार में छिन्न भिन्न नहीं हो जा रहा है आप बरसों तक इसको कचरा फेंकते रहो धुआं निकालते रहो बालू उठाते रहो तब जा करके अभी तक नहीं अपना दिखा रहा प्रकृति कमाल थोड़ा थोड़ा दिखा रहा एक दिन ऐसा होगा कि प्रकृति जो है डिसबैलेंस हो जाएगी नेचर अभी तक क्या है नेचर जो है ऑर्गेनाइज्ड है ठीक है लेकिन यह जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेचर है इतने सारे फैक्टर्स हैं जो इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी ये ऑर्गेनाइज है दैट मींस दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द नेचर आर कॉम्प्लेक्स दे आर कॉम्प्लेक्स एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड सो दीज टू कंपोनेंट्स यानी नेचर का कंपोनेंट है कंपोनेंट नंबर वन दैट इज एनवायरमेंट एंड द कंपोनेंट नंबर टू इज ऑर्गेनिज्म। ओके ठीक है तो अब एनवायरमेंट तो आपको हम समझा दिए ये अब एनवायरमेंट के आप कंपोनेंट्स को समझें इसको मिटा दूं मैं यस सर आप लोग का बैटरी डाउन इसको लिखना ही पड़ेगा सर नहीं नहीं अब समझ लो ना अभी और वीडियो बन रहा है ये अपलोड भी होगा वीडियो देख लेना फिर इतना तो दिमाग आप लोग का तेज होगा ही ना कि एक बार समझा देंगे तो आप लोग उसको समझ जाओगे दिमाग में नोट हो जाएगा दिमाग ही सबसे बड़ा नोटबुक है समझो नोट हो जाएगा और नहीं तो रिपीट देख लेना यूट्यूब आप लोगों ने कॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या नो सर तो कौन हो उसके लिए न्योता भेजेंगे हाँ? तुम्हारे कॉलेज का ये ऑफिशियल चैनल है उसी पर ये सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड होंगे तो क्या चाहते हो नहीं चाहते हो आपकी मर्जी योर ठीक है तो जिसको चाहिए अपना कर लेना कॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है आगे चले हेलो यस सर यस सर यस सर ठीक नाउ सी फोकस ऑन एनवायरनमेंट दिस एनवायरनमेंट इज पार्ट ऑफ द नेचर अब एनवायरनमेंट जो है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है अभी हम आपको बताएं इस एनवायरनमेंट में जल थल नभ वायु ठीक है जीव जंतु सब इंक्लूडेड है उस एरिया में अब उस एरिया में ये सब तो जल थल नभ वायु ये सब है ही सजीव भी है सारे जीव जंतु भी हैं प्लस इसके अलावा भी तीसरा चीज है जिसको मनुष्यों ने बनाया मैन मेड है नेचुरली अकरिंग नहीं है जिसको मनुष्यों ने बनाया जैसे रोड पुल गाड़ी ओके ये सब चीज तो एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए सबसे पहले ब्रॉडली आप लिखोगे ए बायोटिक ए बायोटिक ए बायोटिक का मतलब होता है निर्जीव ए उल्टा है बायो मतलब लाइफ ए बायोटिक निर्जीव दूसरा बायोटिक बायोटिक यानी सजीव
ठीक। अब जो है आपका एक और है कंपोनेंट एनवायरनमेंट का, स्पेशल कंपोनेंट है दैट इज मैन मेड। अब आजकल के डेट में चूंकि इतनी तरक्की कर ली है मनुष्य ने, तो बहुत सारी चीजें धरती पर ऐसी हो गई हैं जो कि मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं, मैन मेड। पहले ये ऐसी बात नहीं थी। सर इसमें एग्जांपल सब क्या है? सब हम देंगे बेटा, अभी सुनते जाओ, पहले देखते जाओ ना, अभी समझते जाओ। एनवायरनमेंट का कंपोनेंट समझ रहे हो, एबायोटिक, बायोटिक, मैनमेड। अब देखो मैनमेड भी दो तरह के हैं, ठीक। क्या? एक हो गया ऑब्जेक्ट्स, यानी जो चीज दिख रहा है, जो आदमी बनाया, दिखने वाली चीजें, और कुछ ऐसी चीजों को व्यक्तियों ने बनाया या समाज ने बनाया जो दिखता नहीं है लेकिन है। क्या चीज है ऐसा? दिखता है लेकिन नहीं, दिखता नहीं है लेकिन है। क्या चीज है? कल्चर। ये कल्चर ही बनाया, कोई कुत्ता बिलाय का तो कल्चर होता नहीं, आदमी लोग का ही कल्चर होता है क्योंकि ये सब हुए तो ये कल्चर है। कल्चर में फिर क्या क्या कंपोनेंट हो जाएंगे? सोसाइटी, ठीक है, एटसेट्रा। अब देखिए एबायोटिक को आप समझ नहीं पा रहे। अब इस एरिया में अब राम वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। राम है, ये राम का एनवायरनमेंट है। अब माइक्रो मैक्रो भूल जाओ, इस एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा चीज है। बताया ये क्या क्या चीज हो सकता है? सबसे पहले निर्जीव वस्तुओं पर गौर, निर्जीव जो है, बायोटिक। ये ऑब्जेक्ट भी निर्जीव है बट मैन मेड है, एबायोटिक नेचुरल निर्जीव है। अब हवा पानी तो आदमी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, नेचर के द्वारा बनाया हुआ है, ओके। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो फॉल करेंगे तीन स्फेयर में, ठीक है। एक है आपका एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जल्दी लिखा जाए, नहीं है तो हो जाए। दूसरा है आपका लिथोस्फेयर, एंड थर्ड वन इज हाइड्रोस्फेयर। लिथोस, ये एस है, और हाइड्रोस्फेयर ई आर ई, लिथोस्फेयर। आपको बता दिए एटमॉस्फेयर पता है क्या है, किसको एटमॉस्फेयर कह रहे हैं? वायुमंडल को, ओके। जो वायुमंडल आपका क्या है, इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, कितना परसेंट? 79% 79 ही है ना, या 71 है? 78%, ठीक है, चलो। एटमॉस्फेयर जो है, अब ये राम जो रह रहा है इस एनवायरनमेंट में, इस एनवायरनमेंट में यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी है, इसके ऊपर वायुमंडल है एटमॉस्फेयर। और लिथोस्फेयर जो है, ये जमीन पर जो खड़ा है वहाँ अर्थ क्रस्ट मेंटल, यह भी लिथोस्फेयर है। हाइड्रोस्फेयर, हो सकता है इसमें कोई वाटर बॉडी हो, दैट विल कंस्टिट्यूट हाइड्रोस्फेयर। अब इसमें
ये फिजिकल और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, इसको फिजिकल फैक्टर्स भी बोलते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स भी बोलते हैं। तो इस फैक्टर की वजह से क्या क्या कंडीशन उत्पन्न हो रहा है एनवायरमेंट में, एटमोस्फेयर की वजह से टेम्परेचर है, यह जो तापमान है पृथ्वी का, यह तापमान अगर वायुमंडल नहीं रहता पृथ्वी में तो तापमान रहता, तापमान भी एक हैबिटेबल जोन होता है, यानी इस तापमान से इस तापमान के बीच में जीवन जो है संभव है। हालांकि जीवन जो है एक्सट्रीम तापमान पर भी संभव है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं थर्मल इवेंट्स में, बट दैट इज एन एक्सेप्शन। एक्सट्रीम कंडीशन में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इस एटमोस्फेयर में जो CO2 का लेयर जो है, उस CO2 के लेयर की वजह से जो इंफ्रारेड किरणें आ रही हैं, और वातावरण गर्म क्यों है, ऊपर से सनलाइट आ रही है इस वजह से गर्म नहीं है वातावरण, नहीं तो फिर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एटमोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर कम होता हुआ नहीं जाता, टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है जब ऊपर जाते हैं तब एटमोस्फेयर क्रॉस करने के बाद। जब तक एटमोस्फेयर है जैसे जैसे हाइट पर जाओगे क्या होगा, टेम्परेचर कम होते जाएगा। तो टेम्परेचर जो है पृथ्वी पर वो उस वजह से है कि सूरज की किरणें धरती पर पड़ रही हैं लिथोस्फेयर पर, ये गर्म हो रहा है धरती की परत, इस परत के गर्म होने की वजह से इसके संपर्क में जो हवा है ये हवा भी गर्म हो जाती है। हवा जो है वो डायरेक्ट ऊपर से सनलाइट आ रहा है इस वजह से नहीं गर्म हो रही है, हवा गर्म हो रही है धरती पहले गर्म हो रहा है, धरती से सटा हुआ हवा है तब ये हवा गर्म हो रही है, ठीक है। तो इसलिए एटमॉस्फेयर का एक अहम योगदान है टेम्परेचर को मेंटेन करने में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो CO2 का लेयर है, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस है, निकाल दूं क्या, पढ़ने से मतलब नहीं है, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, गप कर रही है मोबाइल खोल के और क्लास भी डिस्टर्ब कर रहा है। आ रहा मेरा आवाज आप लोगों को? यस सर, यस सर। देखो अगर आप लोग ज्यादा स्टूडेंट ज्यादा कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मेरा भी इंटरेस्ट जो है 2-3 लेक्चर के बाद डाउन हो जाएगा, क्योंकि मुझे और भी पढ़ाना है, मैं उधर ध्यान दे दूंगा फिर। ओके, तो आप लोग भी कोऑपरेट करोगे तब ये अच्छे से हो जाएगा सिलेबस खत्म। चलो, यस सर। हाइड्रोस, अब देखिए एटमोस्फेयर जो है, ये बात समझ में आ गया। तो ऊपर में क्या होता है, CO2 का लेयर है, ठीक है। CO2 कितना परसेंट है, 0.3%, ठीक है। और यह एक लेयर होने की वजह से ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि CO2 पहले जो रिलीज होता है वो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर के एक लेयर बना लेता है, उसके ऊपर फिर ओजोन लेयर है। CO2 का लेयर जो है वो आपका सनलाइट जो आता है वो धरती से टकरा करके इसकी जो वेवलेंथ है वो बड़ी हो जाती है, इंफ्रारेड बन जाता है, और इंफ्रारेड वेवलेंथ जो है CO2 लेयर को क्रॉस करके नहीं जा सकता, इसलिए गर्मी जो है वातावरण के अंदर कैद हो जाती है। तो एटमॉस्फेयर की अगर ये CO2 हट जाए तो पृथ्वी पर बर्फ हो जाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इतना ज्यादा CO2 प्रोड्यूस हो रहा है कि ये लेयर भी मोटा हो रहा है, तो गर्मी बढ़ रही है एटमॉस्फेयर। अब लिथोस्फेयर, सॉरी एटमॉस्फेयर का क्या क्या कंडीशन है, जो कंट्रोल हो रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, ओके, और आपका यहां पर एटमॉस्फेयर में एयर भी है जो कि जीवन के लिए आवश्यक है, टेम्परेचर और एयर दोनों, एयर में ऑक्सीजन है, दिस इज नेसेसरी। ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर से आया। लिथोस्फेयर से क्या आया, ठीक, लिथोस्फेयर में आपका जैसे राम जहां पर है, मान लो खेती करता है, अगर जमीन बंजर लिथोस्फेयर खराब हो जाए तो उसका खेती संभव नहीं होगा। तो लिथोस्फेयर में है आपका मिट्टी, सॉइल,
लिथोस्फेयर का कंडीशन, और अगर मान लो वहां पर कोई खदान है, कोई खनिज तत्व मिल रहे हैं उस जमीन के भीतर में भूगर्भ में, तो मिनरल्स भी होंगे। यानी कहने का मतलब एनवायरमेंट का भाग जो है एबायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा लिथोस्फेयर के अंदर जो है मिनरल्स, तो मिनरल्स भी जो है एनवायरमेंट का पार्ट होगा। ओके, अब देखिए हाइड्रोस्फीयर में क्या आ जाएगा, जितनी भी बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है आप लोगों के घर के बाहर? यस सर, हो रहा है ना। तो ये जो है रेनफॉल जो है कहां से आया, क्लाउड से, बादल से। बादल भी जो है हाइड्रोस्फीयर का भाग है। जो भी नेचुरली अकरिंग वाटर बॉडी है, पानी के स्रोत हैं, वो सब हाइड्रोस्फीयर है, रेनफॉल। तो इतना आप समझ गए, ये हो गए आपके एबायोटिक फैक्टर्स, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इतना क्लियर हुआ। बायोटिक में आएंगे अब। बायोटिक में सर सिंपल है, बायोटिक कंपोनेंट हाइड्रोस्फेयर का सिर्फ रेनफॉल नहीं होगा। अगर राम के एरिया में कोई तालाब है, मान लो आपके घर के बगल में नदी है, तो वो भी आ जाएगा ना। अब ये डिपेंड कर रहा है इसका एनवायरमेंटल का बाउंड्री कितना बड़ा है। अगर पूरे देश को ये बाउंड्री बना लिया है, इसके एनवायरमेंट का बाउंड्री है, उसको एनवायरमेंट कंसीडर कर रहा है, तब हाइड्रोस्फीयर में रेनफॉल, सारी नदियां, सारे तालाब देश के सभी आ जाएंगे, देश के अगल बगल का समुन्दर। समझ रहे हो बात को? डिपेंड करेगा इसका बाउंड्री कितना बड़ा है, इसके बाउंड्री के अंदर क्या क्या है। ओके, तो हाइड्रोस्फीयर में समझ में आया आपको? क्या नाम है आपका? यस सर। देवराज। तो यूजी का स्टूडेंट हो, यूजी वाले देवराज हो क्या? हाँ यस, पीजी वाला सर। पीजी, एक यूजी में भी देवराज है, तुम पीजी देवराज हो, यूजी देवराज हो? हाँ यूजी में भी है। तुम यूजी में हो ना? नहीं, हम पीजी में है। पीजी में हो? हमारे जुलोजी में थर्ड सेमेस्टर है। तो थर्ड सेमेस्टर में तो आपको वो पढ़ना था ना, AECC 2। ये तो सेकंड सेमेस्टर का है। अच्छा, ये सेकंड सेमेस्टर का है। ये सेकंड सेमेस्टर का, ये तुम AEC 1 का एग्जाम नहीं दिए हो क्या? भूल गए एग्जाम जो दिए? तो यस सर दिए हैं। चलो कोई नहीं, ठीक है। लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर हो गया। अब ये आप देखिए, बायोटिक फैक्टर्स आपके क्या हो गए, इसमें बायोस्फेयर इज इंक्लूडेड। बायोटिक में पूरा बायोस्फेयर है। बायोस्फेयर क्या होता है, एनीबडी नोस? जूलॉजी स्टूडेंट्स, सर जहां पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों प्रेजेंट होते हैं, उसको बायोस्फेयर बोला जाता है। यस, यू आर राइट, पार्शियली यू आर राइट। क्योंकि जीवन वहीं पर संभव है जहां पर पानी भी हो, जमीन भी हो, हवा भी हो, तभी जीवन होगा। इसलिए दोनों का जो इंटरसेक्शन, कॉमन एरिया है, अगर इस तरह से मैथमेटिकली आप देखो, सबसेट बना के, ये लिथोस्फेयर हो गया, दिस इज एटमोस्फेयर एंड दिस इज हाइड्रोस्फेयर, तो वो ऐसा एरिया जहां पर तीनों मिला हुआ है, जहां पर तीनों लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों की प्रेजेंस है, जमीन भी है, हवा है, पानी है, देन दिस एरिया विल बी हैबिटेबल, यहां पर जीवन संभव है। ओके, जहां पर सिर्फ हवा ही है, पानी नहीं है, वहां जीवन नहीं संभव है। ओके, सिर्फ पानी ही है, हवा नहीं है, तो जीवन नहीं संभव है। ओके, पानी में भी हवा डिजोल्व रहती है, घुलन, मछलियां कैसे सांस लेती हैं, ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है पानी में। सपोज कि पानी सिर्फ प्योर वाटर है, ठीक है, तो उसमें मछली जिंदा रहेगी, नहीं रहेगी। हाँ, और जमीन लिथोस्फेयर, अब जमीन के एकदम भीतर की गहराई में, वहां हवा है, नहीं, वहां
जीवन संभव है? नहीं। जहां पर जमीन भी है, हवा भी है, पानी भी है, वो है हैबिटेबल जोन। ये तो आपने अभी जो बताया उसका मतलब हुआ। लेकिन ये हैबिटेबल जोन है कहाँ? ये तो मैथमेटिकली दिखा दिए, तीनों जो है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, तीनों जहां ओवरलैप कर रहा है वो हैबिटेबल जोन। ये है कहाँ धरती पर? ये बायोस्फेयर, बायोस्फेयर है आपका। ये पृथ्वी की सतह हो गई, ये पृथ्वी हो गया, गोल होती है, ध्रुव पर थोड़ी चपटी होती है पृथ्वी। अब इस पृथ्वी का एक हैबिटेबल जोन है, थोड़ा जमीन के ऊपर, थोड़ा जमीन के अंदर, इतना भी अंदर नहीं। अगर पृथ्वी का साइज इतना बड़ा तो इतना जमीन के अंदर भी नहीं आएगा, लेकिन फिर पिक्चर के लिए आप समझ लो, जहां पर इस पृथ्वी के बाहर वायुमंडल है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वायुमंडल जो है पृथ्वी पर अटैच है, नहीं तो ये सोलर स्पेस, ये स्पेस में चला जाता बाहर। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह अटैच्ड है, एयर एटमॉस्फेयर है। अब इस जितना दूर तक एटमॉस्फेयर है, और फिर धरती आ गई, फिर धरती के थोड़ा अंदर ग्रीन से बना रहे हैं, थोड़ा सा मिट्टी के अंदर, ये बहुत ज्यादा हो गया अंदर, लेकिन समझो कि इस एरिया में क्या है, ये इंटरसेक्शन है कि नहीं प्रेजेंट, जहां पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर तीनों मिल रहे हैं। धरती के एकदम बहुत अंदर नहीं, और आसमान में भी बहुत ऊपर नहीं, धरती पर ही थोड़ा ऊपर, यानी इसमें आ गया आपका पंछी, परिंदे वगैरह सब जो हवा में उड़ रहे हैं ये सब भी, और जमीन के अंदर रहने वाले जो भी बिल बना के रह रहे हैं, ओके, वो सब भी आ गए, या समुद्र की गहराइयों में जो मछलियां रह रही हैं वो भी, और जो जीव रह रहे हैं वो भी, ये सब जो है इस हैबिटेबल जोन में रहते हैं। तो यही कहलाता है बायोस्फीयर, यानी वह एरिया जहां पर जीवन संभव है, जहां पर जीवन पाया जाता है, वह है बायोस्फीयर। समझ में आया? यस सर। हम देखिए, सो ये बायोटिक हो गया, एक ही बायोटिक का एक ही है ये बायोस्फीयर, ओके। तो ये आपके हो गए कंपोनेंट्स, समझ में आया? अब हम आएंगे आपका मैन मेड कंपोनेंट्स, क्या है, कहाँ गया? अभी देखो क्लास एंड हो जाएगी, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लोगे, और उसमें चूंकि ये खत्म हुआ नहीं, बोर हो गए क्या आप लोग? नो सर। नो सर। एक सेकेंड, वो मेरा व्हाइट बोर्ड कहाँ गया? दिख रहा है क्या व्हाइट बोर्ड आपको? यस सर, दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है।